नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। पाकिस्तान से हिंदुओं पर अत्याचार वाली तस्वीरों का सामने आना आम बात हो चुकी है। हिंदू मंदिर को तोड़ना, उनकी संपत्ति पर कब्जा करना, हिंदू लड़कियों को अगवा कर लेना वगैरह वगैरह। कुछ दिनों पहले पाकिस्तान के पर्यटन स्थल मरी में इंसानियत को बिकते हुए भी देखा गया। एक बार फिर इमरान खान के साम्राज्य में इंसानियत की बदसूरत तस्वीर अब सामने आई है, जिसे देखने के बाद आपका भी हृदय सिहर उठेगा। इस बदसूरत तस्वीर ने दुनिया के सामने इमरान खान के चेहरे पर चढ़ा काला नकाब उतार दिया है और ये तस्वीर सामने आई है पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से यानी पीओके से। खैर, ये बात किसी से छिपी नहीं है कि इमरान खान के राज में किस तरह से पीओके के लोगों पर अत्याचार लगातार किया जाता रहा है। आए दिन कोई ना कोई मामला सुर्खियों में देखने को मिल ही जाता है। एक बार फिर एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जिसमें पीओके का एक लाचार परिवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गुहार लगा रहा है और जुल्म से निजात दिलाने की अपील कर रहा है। दरअसल मुजफ्फराबाद के एक परिवार को प्रशासन ने उसको उसी के घर से बाहर निकाल दिया है, जिसके चलते उन्हें सर्द मौसम में सड़क पर ही रात गुजारनी पड़ रही है। अब परिवार के मुखिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मदद की गुहार लगाई है और इस मामले में दखल देने की अपील कर दी है। शख्स प्रधानमंत्री मोदी से अपील करते हुए कहता है कि मैं, मेरी पत्नी और बच्चे खुले आसमान के नीचे दिन गुजारने को मजबूर हैं। पुलिस और प्रशासन ने हमारे घर को सील कर लिया है। मेरा कहना है कि अगर हमें कुछ भी होता है तो उसके लिए मुजफ्फराबाद के कमिश्नर और तहसील जिम्मेदार होंगे। मैं अपील करता हूं प्रधानमंत्री मोदी से यहां आएं और हम सभी को इस जुर्म से निजात दिलाएं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील करने वाले इस शख्स का नाम वसीम मलिक बताया जा रहा है। इस वीडियो को प्रोफेसर सज्जाद राजा ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसके कैप्शन में उन्होंने लिखा है, उन्हें बचाने के लिए याचना नरेंद्र मोदी, यह कहने में मदद के लिए उनकी संपत्ति भारत और हिंदुओं और सिखों की है। पुलिस ने एक नागरिक के घर को सील कर दिया है और उसके परिवार और बच्चों को इस जनवरी की ठंड में सड़क पर रहने के लिए मजबूर कर दिया है। आप इस वीडियो को प्रोफेसर सज्जाद रजा के ट्विटर हैंडल पर जाकर देख सकते हैं। आपको बता दें कि वीडियो में वसीम मलिक के अलावा उनकी पत्नी और बच्चे भी दिखाई दे रहे हैं, जो सड़क पर ही बैठे हैं। मुजफ्फराबाद से सूत्रों के हवाले से न्यूज एजेंसी ANI ने बताया है कि एक लोकल प्रशासन ने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया है और एक प्रभावशाली शख्स ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। पुलिस की मदद से उस शख्स ने इनके घर पर कब्जा जमा लिया है। शख्स का कहना है कि यह जमीन भारत की है और इसका मालिकाना हक गैर हिंदुओं और मुस्लिमों के पास है। बहरहाल, इस पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर बताएं।